फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है झारखंड कंटेनमेंट जोन में भारी कड़ाई। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने शुक्रवार को कई कड़े फैसले लिए। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आलोक में अगले आदेश तक तमाम जलसा जुलूस पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने त्योहारों को देखते हुए ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान राजनीतिक भीड़ भाड़ के लिए वही दिशा निर्देश जारी किया गया है जो गत वर्ष बैरमो व दुमका उपचुनाव के वक्त जारी किया गया था। यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लगाई गई तमाम बंदिशें लागू रहेंगी। झारखंड के इस गांव में लोग नहीं खेलते होली, आखिर क्यों रंग अबीर को यहाँ तक नहीं लगाते। होली रंगों का त्यौहार है, होली के रंगों में ही इस त्यौहार की खुशियां समाई है। रंगों के बिना होली की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन झारखंड के इस बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के दुर्गापुर गांव में लोग होली नहीं खेलते। होली के दिन ये रंग अबीर को हाथ तक नहीं लगाते। इस गांव में सदियों से यही परंपरा, इसके पीछे गांव में कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि करीब 350 साल पहले दुर्गापुर में राजा दुर्गा प्रसाद देव का शासन था। गांव की ऐतिहासिक दुर्गा पहाड़ी में की तलहटी पर उनकी हवेली थी। वे काफ़ी जनप्रिय थे। रामगढ़ राजा के साथ हुए युद्ध में वे सब परिवार मारे गए थे। वह होली का समय था, इसी गम में लोग अब तक होली नहीं खेलते। ऐसी मान्यता है कि होली खेलने से गांव में कोई अप्रिय घटना घटित होती है। झारखंड में बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, एक सप्ताह में 1500 से पार हुआ आंकड़ा, बढ़ते सावधानी। झारखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव बढ़ने लगे हैं। पिछले 8 दिनों में राज्य में 1567 लोग संक्रमित हो चुके। एक दिन में सबसे अधिक झारखंड की राजधानी रांची में संक्रमित मिले हैं अभी होली में। ऐसे में राज्य सरकार समेत प्रशासनिक अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने की अपील बार बार कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। यही कारण है कि राज्य में दिनों दिन कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है। होली मनाने से पहले जान ले क्या है आपके शहर में कोरोना गाइडलाइंस, जाने कहाँ क्या नियम। बीते साल होली के बाद कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 68 दिनों तक का देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद भी तमाम बंदिशें जारी की थी। लेकिन इस साल होली के पहले ही जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर हड़कंप मचा रही है, उसके चलते कई राज्यों में प्रतिबंध लागू हो गए हैं। इसके चलते होली के रंग में थोड़ा भंग पड़ता दिख रहा है। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए यह अहम है, लेकिन होली का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए अपने के बीच ही मनाया जाए ताकि हम संक्रमण से मुक्त रहे और जिंदगी में रंग बने रह सके। होली को लेकर भी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम राज्यों में गाइडलाइंस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना अनुमति के होली मिलन समारोह जैसे आयोजित करने पर रोक लगा दी। कोरोना से आज 3 मौतें, फिर मिले 314 पॉजिटिव, जाने ताज़ा हाल। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से तेज़ी से वापस लौट रहा है। बीते दिन 340 कोरोना संक्रमितों की पहचान के बाद रविवार को 314 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आज कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 3 मौतें हुई, सबसे अधिक 182 कोरोना संक्रमितों की पहचान राजधानी रांची में हुई है, जो जमशेदपुर में 40 कोरोना मरीज मिले हैं। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 300 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। रविवार को राज्य में 8185 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 314 संक्रमित पाए गए हैं। रांची में सबसे अधिक 182 संक्रमित मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 40, बोकारो में 15,
साहिबगंज में 13 व पाकुड़ में 10, 10 कोडरमा में 9, देघर में 8, दुमका गुमला में 4, 4 हजारीबाग लोहरदगा रामगढ़ जामताड़ा में 3, 3 लातेहार में 2, गढ़वा पलामू सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम खूंटी में 1, 1 नए संक्रमित मिले। पलामू में 1 मरीज मिलने से अभी सभी जिलों में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण हो गया। इधर रविवार को राज्य में 76 मरीज स्वस्थ भी हुए, वहीं रांची धनबाद तथा पूर्वी सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर अब 1871 हो गए हैं। कोरोना बना काल, दिसंबर के बाद मौतों के आंकड़े में सबसे ज़्यादा 51% का उछाल, हर दिन टूट रहे रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस हफ्ते भारत में कोरोना के मामलों में 51% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 7 दिनों की तुलना में इस हफ्ते कोरोना वायरस के 1,30,000 ज़्यादा मामले हैं, जो कि इस महामारी के फैलने से लेकर अब तक एक हफ्ते के अंदर सबसे बड़ी उछाल। इतना ही नहीं, कोरोना से होने वाली मौतों में भी 51% का इजाफा हो गया है। इस हफ्ते कोरोना से 1,857 मौतें हुई, जो कि 21 से 27 दिसंबर वाले हफ्ते के बाद सबसे ज़्यादा है। रविवार को देश भर में 68,267 नए मामले आए, जो कि 168 दिनों में सबसे ज़्यादा मामले। अकेले महाराष्ट्र में एक दिन के अंदर कोरोना के सबसे ज़्यादा 40,414 नए मामले रिपोर्ट हुए। 22 मार्च से 28 मार्च वाले हफ्ते में ही भारत में कोरोना वायरस के 3,90,000 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि बीते साल अक्टूबर के बाद से सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक ही पेड़ पर फंदे से लटकी मिली 2 युवतियों। इलाके में फैली सनसनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाजोर गांव में एक ही पेड़ पर फंसी का फंदा लगाकर 2 युवतियों ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार लोजार गांव के मुंडा टोली में रविवार सुबह ग्रामीणों ने आम के पेड़ की डाल पर 2 युवतियों की लाश फंदे से लटके देखा। इससे गाँव में सनसनी फैल गई। ग्रामीण गुरुवारी की कुछ साल पहले शादी हुई थी, लेकिन 1 साल से वह पति से अलग अपने मायके में ही रह रही थी। ग्रामीणों के अनुसार दोनों युवतियां सहेली थी और एक साथ ही दोनों ने पेड़ पर फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सकता है। पुलिस ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी की जाने की प्रतीक हो रहा है।